Hello students of class 11th. Dear students, today our topic we are going to discuss control measures of noise pollution, and we can say that how can we control noise pollution. Hum noise pollution kaise control mein la sakte hain, iske liye hame kya karna chahiye. To aaj hum dekhenge ki jaise ki aapko pata hoga हम देखें कि काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन क्या चीज होते हैं. आज हम देखेंगे उसके हम उस चीज को. अगर यहां पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे कार फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो यहां पे नॉइज पोल्यूशन बनाता है, तो हमें अब क्या करना चाहिए. क्योंकि हम नॉइज पोल्यूशन को कम कर किसी हद तक कम कर सकते हैं जब हम कुछ प्रिकॉशन लेंगे. क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, हम उनको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते. अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं कर सकते हैं. अब अगर हम लाउड स्पीकर की बात करेंगे, लाउड स्पीकर को हम पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं. क्योंकि हम म्यूज़िक तो सुनना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें है. लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए. देखिए, अगर हम देखेंगे कि फॉर कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन फॉलोइंग मेथड्स आर सजेस्टेड. कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन एट सोर्स कैन बी अचीव्ड बाय डिजाइनिंग साइलेंसिंग डिवाइस एंड देयर यूज इन एयरक्राफ्ट इंजनस ट्रक्स कार्स अदर ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनस. अगर हम बात करेंगे कि किस तरह हम उनका जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक्स है, कार्स वगैरह है, तो किस तरह से हम उनको उनका जो शोर है वो कम किसी हद तक कम कर सकते हैं. तभी मुमकिन जब यहाँ पे हमें उनको साइलेंस डिवाइस उनको इंस्टॉल करना है. अगर हम एयरक्राफ्ट की इंजन की बात करेंगे, वहाँ पे साइलेंसर लगाना है. अगर हम ट्रक्स की बात करेंगे और किसी गाड़ी की बात करेंगे, बस की बात करेंगे, ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, जो भी इंडस्ट्री मशीन है, वहाँ पर हमें साइलेंसर लगाना चाहिए ताकि ज़्यादा आवाज़ बाहर ना आए. हमें बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम साइलेंसर के इस्तेमाल कर सकते हैं. हम साइलेंस डिवाइस उस पर लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. यूज एट सोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड बेटर मेंटेनेंस ऑफ मशीन. दूसरा तो यह है कि हम एक तो हम रूड सा प्रॉपर लुब्रिकेशन होनी चाहिए, वो दूसरा यह कि हम जो हमारे मशीन हैं, जो हमारे गाड़ी हैं, वो पूरी मेंटेन होनी चाहिए. जितनी उनको मेंटेनेंस रखेंगे, बार बार उनको ओवरहॉल करेंगे, तो वो किसी हद तक शोर करने में शोर तो किसी हद तक शोर कम कर सकते हैं. अगर उनको ऐसे ही छोड़ दें तो वो ज़्यादा ही शोर कर सकते हैं. तीसरा है कि नॉइज़ पोल्यूशन नॉइज़ प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ मशीन मे बी इंसुलेटेड इन साउंड प्रूफ मटेरियल. और जो नॉइज़ पोल्यूशन पार्ट्स होते हैं, जो प्रोड्यूस जो मशीन में या गाड़ियों में जो पार्ट्स होते हैं जो ज़्यादा शोर करते हैं, वो साउंड प्रूफ होना चाहिए. वहाँ पे साउंड प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा शोर बाहर ना आए. यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एट फिक्स्ड इंटेंसिटी एंड आवर्स ऑफ द डे. और जो कि हम लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, उन पर बैन लगना चाहिए. उनका जो जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए. तो इस तरह से हम किसी हद तक उसको मतलब इस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए. बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. इतनी ज़्यादा मतलब धीमी आवाज़ में हमको सुनना चाहिए. इंडस्ट्री वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद ईयर प्लग्स. और जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए ईयर प्लग्स होना चाहिए. हमें ईयर प्लग्स को प्रोवाइड करना है ताकि उनके कान बच जाए. द नॉइज पोल्यूशन इंडस्ट्रीज शुड बी परमिटेड ऑनली फार अवे फ्राम डिवेलिंग यूनिट्स. और जो नॉइज जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज हैं, उनको मतलब बस्तियों के नज़दीक परमिट नहीं होना चाहिए. उनको इंस्टॉल वहाँ पर नहीं करें, बल्कि वो बस्तियों से लोगों के मतलब शहरों व गाँव के गाँव से दूर होना चाहिए, जहाँ जहाँ लोगों का रश बहुत कम है, ताकि लोग इस चीज़ से बच जाए. पर्सनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉइज कैन बी टेकन. पर्सनली अगर हम देखेंगे हमें क्या क्या करना चाहिए, यूज़ कॉटन प्लग्स ऑन द ईयर्स. अब जब हम देखेंगे ज़्यादा शोर है, हम शोर वाले एरिया में हैं, हम शोर वाले किसी जगह पर हैं, हमें वहाँ पर अपने कानों को बचाने के लिए कॉटन वहाँ मुंह में लगाना चाहिए. Covering the ears with hands under noise conditions. और जब भी हम अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अचानक किसी जगह पर जहाँ शोर है, तो वह हमें अपने कानों को बंद रखना चाहिए. अपने हाथों से किसी तरीके से हमें अपने कान बचाना चाहिए, वरना बहुत खतरा है.
मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, और जो चीज़ ज़्यादा शोर बनाते हैं हमें उन चीज़ों से दूर चलना चाहिए। तब भी मुमकिन है इस तरह जो ट्रॉपिक है जहाँ पर ट्रॉपिक ज़्यादा है, डू नॉट लिव और वर्क नियर मेजर इंटरसेक्शन और रोड्स, शॉपर्स सेंटर्स एंड शॉपिंग सपोर्टिंग फैसिलिटीज़, वैलीज एंड फॉल्स और नॉइज कैन बी फ्लोट रोड्स। और जहाँ पर ट्रॉपिक ज़्यादा है वहाँ पर हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। एयरक्राफ्ट बिफोर बाइंग ए होम, सी हाउ फ्राम लोकल एयरपोर्ट्स। और अगर हम जो एयरक्राफ्ट है जो पे जहाँ पे मतलब ये एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट से दूर रहना चाहिए, वहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब हम मकान वगैरह वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। इस तरह जो हमारे नेबर्स की बात करेंगे, बी ए गुड नेबर बाय नॉट एनोइंग दीज हु लिव नेक्स्ट डोर विद योर म्यूज़िक और लाउड स्पीकर। वो जो नेबर्स है जो हमारे हमसाए हैं उन हमें हम मतलब मकान बनाने से पहले हमें देखना है कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ज़्यादा मतलब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, और बाकी जो साइलेंट लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हमें करना है, बहुत सारे प्रकाश हमें चाहिए ताकि हम चीज़ों से बच जाए। तो इंशाल्लाह अगर हम थोड़ी सी मतलब अवेयरनेस दिखाएंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे इस चीज़ से हमें इसकी क्या क्या पहले हमें पता होना चाहिए इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या एनजाइटी होता है, हाइपरटेंशन होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो इस शोर से जो हमें नहीं दिखता है, हमें शोर हमारे जो शोर हम जमजोर में रहते हैं इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम होते है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह हमें इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सी एहतियात बरतना चाहिए। तो थैंक्स।